तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फ्रेक्स टॉक में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरमाफ सिडक्शन के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फ्रेग्रेंस के बारे में तो इस वीडियो में बने रहिएगा, छोटा सा वीडियो है, जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इसके प्रेजेंटेशन के बारे में तो सीधे से बहुत खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन आपको मिलता है। यहाँ स्नेक का इन्होंने फिनिश दिया है, स्नेक का जो स्किन आता है उसका फिनिश इन्होंने दिया है, और ऊपर अरमाफ का लोगो, साइड में आपको सिडक्शन देखने को मिलेगा और पीछे कुछ डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे। जब आप इसका बॉक्स ओपन करते हैं, ये बहुत फ्री है तो रोटेट भी हो जाता है, मुझे ऐसा करना पसंद आता है। और जब आप ओपन करते हैं तो अंदर आपको एक बहुत बढ़िया सी बॉटल मिल जाती है और कुछ इस तरीके से ये बॉटल आपको दिखती है। ये स्प्रेयर काफी अच्छा है इसका। ऊपर आप टॉप में आपको अरमाफ का लोगो देखने को मिलता है, बहुत बड़ा सा इसका बॉटल दिया है। तो जल्दी से इसकी सेंट प्रोफाइल देखते हैं किस तरीके से स्मेल करता है। स्प्रेयर तो काफी अच्छा है, इन्होंने स्प्रेयर में इम्प्रूवमेंट किया है। सिडक्शन ये EDP फॉर्म में आता है और जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो बहुत बढ़िया सी फ्रूटी ओपनिंग्स के साथ में ये स्टार्ट होता है। ये आपको कहीं ना कहीं रसा सी सगफ की याद दिलाएगा। शुरुआत में बहुत खूबसूरत से फ्रूट्स का एक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, ग्रेप फ्रूट्स के साथ में ग्रीन एप्पल टाइप की स्मेल्स इसमें से आती है, बहुत फ्रूटी है। लेकिन आधे घंटे के बाद में आपको ये पूरा का पूरा इन्विक्टस एक्वा या फिर इन्विक्टस पाकुरावान है उसके जैसा लगेगा। तो इन्विक्टस जो है, पाकुरावान का जो इन्विक्टस है, उसके कई सारे क्लोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं और यही मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि जो अरमाफ कंपनी है वो उनके भी क्लोन है जो इन्विक्टस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा उन्होंने इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आता है, क्योंकि जब भी ये कोई नई चीज लॉन्च करते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा कोई किसी चीज का, नई चीज का इन्होंने क्लोन किया होगा, कोई अच्छा सा फ्रेग्रेंस आया होगा। फिर बॉटल्स देखते हैं तो काफी अच्छी बॉटल्स दिखती है, और फिर बाद में जब हम उसे यूज करते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि ये तो ऑलरेडी इसका क्लोन्स बना चुके हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। हालांकि कुछ अच्छा स्मूथनेस लाए हैं, कुछ अच्छा सा चेंज किया है फ्रेग्रेंस को। इन्विक्टस जो लेजेंड है उसकी आपको याद दिलाता है, फ्रूटी टोन में वो जाता है उसके जैसा याद दिलाता है। तो इसकी ओवरऑल जो सेंट प्रोफाइल है वो मरीन टाइप की है, फ्रूटी टाइप की है, वुडी टाइप का अरोमा देता है थोड़ा सा अंबर हिंट्स के साथ में। तो यही इसकी प्रोफाइल है। आखिरी में बहुत बढ़िया सा वुडी, ग्वाइक वुड जो होता है उसके जैसा वुडी, थोड़ा सा ये स्वीट फ्रेग्रेंस है, मीठा सा फ्रेग्रेंस है, और साथ में फ्रेश टाइप का, मरीन टाइप का, आपको थोड़ा सा सॉल्टी हिंट्स के साथ में आपको इसमें नोट्स मिलते हैं। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि ये फ्रेग्रेंस खराब है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। अगर आपको इन्विक्टस पाकुरावान का जो इन्विक्टस है उसकी जो वाइब्स पसंद है, उसकी खुशबू पसंद है, तो जरूर ही आपको पसंद आएगा। अभी तक अगर आपने उसका कोई भी क्लोन यूज नहीं किया है तो आप इस पे जा सकते हैं। बहुत खूबसूरती से उसे निभाया है, बहुत सही डायरेक्शन में आपको ले जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन फिर भी डिसअपॉइंटमेंट इसलिए आता है क्योंकि बार 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 वही चीज करते हैं, वही क्लोन्स लाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके क्लोन्स आने अभी बाकी है, बहुत सारे ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं जो लोग चाहते हैं कि वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स में मिले, थोड़े सस्ते फॉर्म में मिले। तो वही इंतजार रहता है कि अगर अरमाफ हाउस है या फिर और जो भी कोई हाउस है जो क्लोन्स करते हैं, उनसे बहुत उम्मीदें आजकल लोगों को हो चुकी है कि नई नई चीजें आएंगी और वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे कम दाम में, बजट में बहुत अच्छी खूबसूरत चीजें। तो कैजुअल आउटफिट्स के लिए काफी अच्छा होता है। अगर आप कहीं जिम जा रहे हैं, कैजुअली आप डेली वियर करना चाहते हैं, आप इवन ऑफिस में भी पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा रहता है। समर के लिए काफी अच्छा होता है और इवनिंग्स में भी, समर इवनिंग्स में भी बहुत बढ़िया सा सूट करता है। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो दिन में मैंने इसे अप्लाई किया, दिन की धूप में मैंने इसे अप्लाई किया तो इसका परफॉर्मेंस 5 से 6 घंटे मिलता है। शुरुआत के 2 घंटे बहुत बढ़िया सा लाउड रहता है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद आपके दायरे में बन जाता है, आपके दायरे में क्लोज टू स्किन ये तकरीबन 5-6 घंटे रहता है, और शुरुआत के 3 से 4 घंटे हर किसी को महसूस होता है, उसके बाद क्लोज टू स्किन हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसको इंडोर पहनते हैं या फिर जिम में पहनते हैं, आउटडोर्स नहीं जाते हैं, ज्यादा इवनिंग टाइम में पहनते हैं, तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 7 घंटे से 7.5 घंटे इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। तो यही है इसका ओवरऑल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा इस सिडक्शन का।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, महकते रहिए। जय हिंद।